हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई ट्यूशन। शिक्षा एक सुंदर भविष्य पाई आज लाइव क्लास को तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। पिला मैंने तुम्हें मैंने ई ट्यूशन विषय में समस्ते जाथ मोर आशा अच्छी। ई ट्यूशन हूँ आम एक ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जो थे तुम्हें मैंने तुम्हारा निजर डाउट क्लियर करी डेली लाइव क्लास करी इनोवेटिव वे रे तुम्हें मैंने वीडियोस देखिकी तुम्हारा समस्त पाठ्यक्रम समस्त विषय वस्तु आराम से बुझी पार से तुमको कौन करा पड़ो गूगल प्ले स्टोर रु आम एप को डाउनलोड करी एनरोल करने को पड़ो। पे आम तुम षष्ठ श्रेणी तृतीय पाठ पढ़ुले ना ज्यामितिर मौलिक धारणा विषय में आज तार आम कौन करवा अनुशीलन करवा। ठीक अच्छे आर अनुशीलन करिया प्रथम अनुशीलन पिला माने हमरो कौन अच्छी 3.1 आमर प्रथम प्रश्न दि जाए गोटे त्रिभुज गोटे त्रिभुज अंकन करी तार नामकरण कर और तार शीर्ष बिंदु कोण और बाहू मानकर नाम लेख। ताहले पिला माने हमें गोटे त्रिभुज अंकन करिबा गोटे त्रिभुज तीनोटी रेखाखंड द्वारा आबद्ध होता है 1, 2, 3 एटा को आम कौन कही था गोटे त्रिभुज कही था हाँ कि नहीं आमे क ख ग नामकरण करवा तीनोटी शीर्ष बिंदु पाइले हाँ ना नहीं तीनोटी शीर्ष बिंदु जार नाम आम क ख ग देले ताहले शीर्ष बिंदु मानकर नाम शीर्ष बिंदु मानकर नाम समान शीर्ष बिंदु क ख ग हेला आमर शीर्ष बिंदु कोण मानकर नाम आम केमती लिखिया पिला माने शीर्ष बिंदु को मझीरे लिखा जाए हाँ ना नहीं आम क कोण ख कोण ग कोण लिखिपर ना आ गोटे प्रकार लिखिपर क ख ग कोण ख ग क कोण आउ ग क ख कोण है ना नहीं बाहू मानकर नाम कौन हम पिला मैंने केतोटी बाहू नहीं सी गोटे त्रिभुज होता है तीनोटी बाहू नहीं गोटे त्रिभुज गठित होता है ना नहीं ताहले क ख बाहू ख ग बाहू ओ क ग बाहू। ठीक अच्छे ये प्रश्न रे उत्तर आराम से कर पकड़े तापर नेक्स्ट देखिए पिला माने आमर कही वृत्त दुई नंबर आमर कौन दि जाए वृत्त रे तार व्यासार्ध और केन्द्र को दर्शाओ आम समस्ते वृत्त अंकन जाणीचे गोटे व्यासार्धर माप को नहीं आम गोटे वृत्त अंकन करना नहीं गोटे व्यासार्धर माप को नहीं मनेकर व्यासार्धटी 2 सेंटीमीटर रहला 2 सेंटीमीटर आम जदि प्रोट्राक्टर नहीं कि आम वृत्त अंकन कर जाणीचे समस्ते ताहले वृत्तर व्यासार्ध तार व्यासार्ध पिला माने एटी कौन हम जदि आम एटी ओ देबा ना आम केन्द्र बिंदुर ना आम जदि ओ देबा ताहले आम केन्द्र बिंदु हला एटा को आम कौन कहिबा केन्द्र ओ एटा को कौन कहिबा आम व्यासार्ध। ठीक अच्छे यटा को ओ ए ना देले व्यासार्ध हैला आमर ओ ए केन्द्र हैला ओ। ठीक अच्छे यार आम करदे आमर कौन अच्छी तीन नंबर अच्छी कही निम्न माप विशिष्ट कोण गुड़ी को सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोण रे वर्गीकरण कर आम समस्ते जानचे पिला माने सूक्ष्म कोण माने 90 डिग्री रु कम समकोण माने 90 डिग्री आ स्थूल कोण माने 90 डिग्री रु अधिक हाँ ना नहीं ताहले एठे 90 डिग्री रु कम जो कोण गुड़ा को पाइबा आमे ताको कोन कहिबा समकोण रे भाग करिबा समकोण सूक्ष्म कोण स्थूल कोण ताहले पिला माने समकोण एठे 30 डिग्री समकोण हेनी 175 डिग्री समकोण कोण हेनी ताहले 90 डिग्री आमर कौन गोटे समकोण है ना नहीं समकोण माने 90 डिग्री सूक्ष्म कोण माने 90 डिग्री रु कम कोण गुड़ाक आम सूक्ष्म कोण है ना नहीं जमीती कि हेला 30 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री तापर कौन अच्छी 89 तापर कौन अच्छी 20 डिग्री है ना नहीं एगुड़ा सब कौन आम सूक्ष्म कोण स्थूल कोण कौन अच्छे पे 90 डिग्री रु अधिक 175 डिग्री तापर कौन अच्छी 115 डिग्री तापर कौन अच्छी 95 डिग्री है ना नहीं आम समकोण सूक्ष्म कोण स्थूल कोण आम समस्त को वर्गीकरण करदे एबे पिला माने तुम अनुशीलन प्रथम अनुशीलन ये अच्छी तीन टी क्वेश्चन अच्छी है ना नहीं
ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଅନୁଶୀଳନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ତମର ଯୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ 3.2 ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଖାତାରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାର ନାମକରଣ କର। ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି, ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂଇଁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଦାଗ ଦେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେଲେ କ ଖ ଗ ବିନ୍ଦୁ, ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାର ନାମକରଣ ଦିଅ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 2 କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଅ। ସରଳ ରେଖା କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିଥାଉ, ସରଳ ରେଖା ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିଥାଉ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାର ନାମ କଲେ, ଆକୁ ଏ ବି ନାମକରଣ କରିପାରିବା, ଆକୁ ବି ଆକୁ ସି ଡି ନାମକରଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ନାମକରଣ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା, ତିନୋଟି ବକ୍ର ରେଖା ଆଉ ତିନୋଟି ସମତଳର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସରଳ ରେଖା ଦେଖୁଥିବ ତମ ବହିରେ। ମୋ ପାଖରେ ମନେ କର ବୋର୍ଡ ଅଛି, ବୋର୍ଡରେ ମୋର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ମନେକର ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ତମେ ଯେମିତି କପିରେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ, ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଧାର ଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେପରି କାନ୍ଥରେ ଆମେ ସରଳ ରେଖା ଦେଖିଥାଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସରଳ ରେଖା ରେଖିଥାଉ, ମାନେ ଯାହା ସଳଖ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସରଳ ରେଖା କହିଥାଉ। ବକ୍ର ରେଖା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ରେଖାଖଣ୍ଡ ବକ୍ର ହିସାବରେ ଥିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ, ମନେକର ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିର ଧାର, ବାଲ୍ଟିର ମାନେ ଧାର, ତାକୁ କ'ଣ ବକ୍ର ରେଖା, ବକ୍ରରେ ଯିବ, ବକ୍ର ତଳରେ ଯିବ ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେହିପରି ସମତଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମତଳ ଆମ ଫ୍ଲୋର, ଆମ ଭୂମି ହେଲା ଗୋଟେ ସମତଳ, ମନେକର ଘରର ତମ ଚଟାଣ ହେଲା ଗୋଟେ ସମତଳ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 4 ଦିଆଯାଇଛି, ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଗାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସରଳ ରେଖା, କେଉଁଠି ବକ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନା। ପିଲାମାନେ ସରଳ ରେଖା କେଉଁ କେଉଁଠି ସରଳ ରେଖା, ଯାହା ସିଧା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ରେଖା କହିଥାଉ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଖ ଗ ଓ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବକ୍ର ରେଖା କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ସଳଖ ନଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ବକ୍ର ରେଖା କହିବା। ଯେମିତି କଟି ହେଲା ଆମର ବକ୍ର ରେଖା ଆଉ ଘଟି ଆମର ବକ୍ର ରେଖା, ତାହେଲେ ସଳଖ ରେଖା ସରଳ ରେଖା ସମାନ ଖ ଗ ଓ ଆଉ ବକ୍ର ରେଖା ସମାନ ଆମର କ ଓ ଘ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇପାରୁଛେ ହଁ ନା ନାହିଁ? ତମ ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ 7 ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଆମ ଖାତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ 7 ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ 1 2 3 ପିଲାମାନେ ତମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ଟାଣିବ ତାହେଲେ ତମର ଆରାମସେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଆମେ ସରଳରେଖା ଟାଣିପାରିବା, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସ୍କେଲ ନାହିଁ ତ ମୋର ସରଳରେଖା ଗୁଡ଼ା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ନା ନାହିଁ? ତମେ ମାନେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି 7 ସରଳରେଖା ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଆମେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କଲେ, 4 ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କଲେ, ସେହିପରି 5 6 7 ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ ଅନେକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ହଁ ନା ନାହିଁ? କୁହାଯାଇଛି ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆଉ କେତୋଟି ଆମେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ଏପରି ଆମେ ଅନେକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ। ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ 6 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ତୁମ ଖାତାରେ ଏ ଓ ବି ନାମକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନିଅ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଏ
ओ बी नामक दुईटी बिंदु निय उभय बिंदु उभय बिंदु को धारण करुवा सरल रेखा अंकन कर उभय बिंदु को धारण कर मान उभय जोड़ा उभय बिंदु को धारण करना ना उभय बिंदु को धारण कर गोटे सरल रेखा अंकन कले एपरी आम कतोटी सरल रेखा अंकन करईटी बिंदु देकी गोटे सरल रेखा अंकन करना ना दुईट बिंदु देकी आम कौन गोटे सरल रेखा मात्र अंकन कर कारण यार मुझे दुईट बिंदु को धारण करें सरल रेखा अंकन करवाक चाहिए सहीटा हम कि यहाँ कौन गोटे वक्र रेखा हो ताहले आम गोटे बिंदु देखिए कौन टाणी पार गोटे मात्र सरल रेखा अंकन कर ठीक अच्छे एवं पी मैंने सात नंबर प्रश्न दि जाइए साधारण बिंदु या दुईट सरल रेखा अंकन कर साधारण बिंदु या दुईट सरल रेखा अंकन कर से ही दुई सरल रेखा को नामकरण कर साधारण बिंदुर ना पी दि गोटे साधारण बिंदु आम ने पी है आक नहीं दुईट सरल रेखा अंकन करने को कह जाइए मन कर एमती गोटे सरल रेखा अंकन कली आओ एमती गोटे सरल रेखा अंकन कली ठीक अच्छे पिला माने आर नाम आम कौन देवा पी देवा मन कर साधारण बिंदुर नाम कौन देले पी देले ताहले कौन कह दीजिए सरल रेखा साधारण बिंदु थे दुईट सरल रेखा अंकन कर दे दुईट सरल रेखार नामकरण कर ताले आम ए बी सरल रेखा सी डी सरल रेखा कहीकि दे तार साधारण बिंदुर नाम कौन दे पी दे तापर पिला माने कह जाइछि तुम खाता उपर जे कोनसी सातटी बिंदु निय हाँ ठीक अच्छे जे कोनसी सातटी बिंदु निय जे कोनसी सातटी बिंदु नेले आमे सातटी बिंदु नेले हैला से को से गुडी कर नामकरण दियो आमे ए बी सी डी ई एफ जी ठीक अच्छे ई एफ जी एमती नाम नामकरण कले सेगुड़िक एक रेखी होती कि एक रेखी आम क्या कह जाए पे गोटे रेखा मध्य जदि बिंदु गुड़ाक थे तेल तो आम एक रेखी बिंदु कही था हाँ ताल पे कतोटी एक रेखी बिंदु समस्त गुड़ाक गुट गोटे गोटे कौन एक रेखी बिंदु हे कि हेनी कारण गोटे सरल रेखा कौन सी बिंदु अवस्थित करना से गुड़क एक रेखी बिंदु हे ना ठीक अच्छे पिलामाने तपर तुमर दिया जाइछि आठ नंबर प्रश्न गोटे समतल तीनोटी सरल रेखा परस्पर को अति कम रे केतोटी बिंदु रे छेद करिवे तीनोटी सरल रेखा अति कम रे केतोटी बिंदु रे छेद करचंदी पिलामाने गोटे बिंदु रे छेद करचंदी ठीक अछि तीनोटी सरल रेखा परस्पर को अति कम रे गोटे बिंदु रे छेद करती ठीक अच्छे आम छेद बिंदुर नाम मन कर ओ दे देबा ठीक अच्छे आम प्रथम प्रश्न ना दे उत्तर देपर कह अति बेसी कतोटी बिंदु रे छेद करती अति बेसी कतोटी बिंदु रे छेद करती देखा अति बेसी रे केतोटी बिंदु रे छेद करती देखिबा तीनोटी सरल रेखा पिला माने आमे तीनोटी सरल रेखा नेबा गोटे दीटा तीनटा ठीक अच्छे एटा पिला माने मन कर मु ए बी सी तीनोटी बिंदु पिला माने तुम्हें जानिछ सरल रेखा तीनोटी रेखाखंडर ये आम गोटे त्रिभुज अंकन करमर हना ना तो कतोटी तीनोटी बिंदु जदि तीनोटी सरल रेखा अति बेसी कतोटी बिंदु रे पिला माने छेद करेंगे तीनोटी बिंदु रे छेद करेंगे ठीक अच्छे अति बेसी तीनोटी बिंदु रे छेद करे बुझिपारापर पिला माने आमे देखिबा स्केल रो व्यवहार करी कह जाइछि स्केल रो व्यवहार करी आम कहुच्छे स्केल व्यवहार कर दुईट सरल रेखा अंकन कर जपरी सरल रेखा दे समांतर हे पे आम स्केल व्यवहार करने शिखीचे गोटे स्केल एमती रख ल आ गोटे स्केल एमती रख ल ताल दुईटी आम सरल रेखा कौन समांतर हे हाँ ना नहीं तुम स्केल रखिकी दुईटा को समांतर हिसाब से दुईट सरल रेखा अंकन कर जहाँ के परस्पर छेद करेंगे ना जिते दूर रे भेट मानने भेटिले परस्पर को छेद
संख्या दुईटी आम सरलरेखा अंकन करवा जहाँ आम समांतर सरलरेखा बोली कही था ए बी ओ सी डी हेले आमर समांतर सरलरेखा ठीक अच्छे पिलामने एबे आम दस नंबर प्रश्न उत्तर करवा दस नंबर प्रश्न उत्तर है क रेखा कहले आम केवल सरल रेखा को बुझु कौन कह निम्नस्थ वाक्य मानक ठीक वाक्य गुड़ी बाछ तुम ठीक वाक्य कि पे क वाक्य रेखा कहले आम केवल सरल रेखा बुझु नाई कारण रेखा कहले आम वक्र रेखा मध्य बुझी था हाँ ना रेखा क्या कहजे सरल रेखा वक्र रेखा युवा आम वक्र रेखा मध्य बुझी था ये वाक्य ठीक ना आम भूल चिन्ह देवा हाँ ना ताहले पिला माने पुणी ख नंबर टी दिया जाइछि गोटे बिंदु दे असंख्य सरल रेखा अंकन करा जाय पारे गोटे बिंदु दे आमे असंख्य सरल रेखा अंकन करि पारथौ हन नै आमे जा पढिछु आगरु त एटा तापरे पिला माने एक समतल रे अवस्थित दुईटी बिंदु दे असंख्य सरल रेखा अंकन करा जाय पारिबो कह जाइए एक समतरे अवस्थित दुईट बिंदु दे दुईटी बिंदु दे पे केवल मात्र आम गोटे सरलरेखा अंकन करें जाचे ये कहुच दुईट बिंदु दे असंख्य सरलरेखा अंकन कर वाक्य भूल अच्छी हाँ ना भूल अच्छी ताल घटी कौन दि जाइए एक समत बिंदु दे मात्र गोटे सरलरेखा अंकन कर कौन कह एक समतल उपरिस्थ गोटे बिंदु दे मात्र गोटे सरलरेखा अंकन कर गोटे बिंदु दे पे आम असंख्य सरलरेखा अंकन कर जाचे ये वाक्य कौन कह गोटे समतल उपरिस्थ गोटे बिंदु दे मात्र गोटे सरलरेखा अंकन करा भूल अच्छी वाक्यटी हाँ ना एक समतल दुईट बिंदु को धारण करुवा गोटे मात्र सरलरेखा अंकन संभव एक समतल दुईट बिंदु को धारण करुवा गोटे मात्र सरलरेखा संभव ठीक अच्छे हाँ ना दुई एक समतल दुईट बिंदु को धारण करुवा गोटे मात्र सरलरेखा संभव हाँ ना यहाँ आम पढ़ीचे ताहले पिला माने चौकन देची एक समतल उपरिस्थ दुईट असमांतर सरलरेखा परस्पर को गोटे मात्र बिंदु छेद करती गोटे समतल उपरिस्थ दुईट सरलरेखा परस्पर को मात्र गोटे बिंदु छेद करती वाक्यटी ठीक अच्छे कौन पाई अधिक आमर दुईट सरलरेखा अधिक गोटे रु अधिक बिंदु छेद करें कहुच्छी दुईट समांतर सरलरेखा कौन सी छेद बिंदु ना दुईट समांतर सरलरेखार कौन सी छेद बिंदु अच्छी पे कौन सी छेद बिंदु ना से आम समांतर कही था हाँ ना ये वाक्यटी ठीक अच्छे ताहले पिला माने आमे तुमर समस्त अनुशीलनी कले तुमको जदि किछि भी डाउट आसीथिबो किछि भी बुझिबारी नथिबो तुम मैंने समस्ते आम डाउट क्लियर क्लास रे जॉइन करि परिबो तापई तुम कोन करबाक पड़िबो आम गूगल प्ले स्टोर आम ट्यूशन एप को एनरोल करबाक पड़िबो आ आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करबाक पड़िबो